हेलो मेरे दोस्तों, कैसे दोस्तों? दोस्तों आपका भाई आज काफ़ी अच्छी ट्रिक लेके आया बैटिंग और बॉलिंग की। दोस्तों आज मैं आपको बॉलिंग की ट्रिक ऐसे बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, राजेश की बॉलिंग की ट्रिक का बताऊँ कैसे आप राजेश की बॉलिंग के ट्रिक को हैक करो जिससे कि रन जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो बहुत कम जाएंगे, छक्का खाने से बच जाओगे, सिक्स नहीं होगा। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो को आगे बढ़ाते, यहाँ पे ये पहली बॉल करवा चुका है बैट्समैन, मैं केन हूँ। अब दूसरी बॉल, जब भी रणवीर की बॉल होती है, स्लो बॉल होती है, पहले आने दिया करो फिर खेला करो, और फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश किया करो रणवीर की बॉल को या मिड विकेट में, जैसे मैंने अभी मिड विकेट में खेला है। फ्रंट फुट में खेलो या मिड विकेट में खेलो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा लेफ्ट हैंड साइड की शॉट लो, नहीं दोस्तों फ्रंट फुट के लिए, इसमें ज़्यादा रन नहीं मिले मुझे, एक रन मिला। मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मैंने बैट को थोड़ा, यही गलती होती है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल, मैं कभी गलती करता ही नहीं, ये गलती मुझसे पता है क्यों होगी, मैंने बैट को पहले हिला दिया। बॉल को आने दो रणवीर की, तब लगाओ, जैसे कि प्लेयर मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं पहले आने दूंगा बॉल को। आई देखो अब ऐसे शॉट लिए, फिर से मैंने मिड विकेट की साइड शॉट ली, ऐसे ही आपको लेनी है फिर विकेट, ऐसे ही आपको शॉट्स लेनी है, और आपको इतना बढ़िया टारगेट देना है, और फिर आपको ऐसी बॉलिंग करनी है जिससे कि वो रन ही ना बना पाए। दोस्तों ये देखो मिड विकेट में मारना चाहता था, थोड़ी मिड विकेट से बाहर होकर लेफ्ट हैंड साइड शॉट चली गई, लेकिन सिक्स आ गया। तो आपको कोशिश करनी है या तो लेफ्ट हैंड साइड शॉट लो, लेफ्ट हैंड साइड शॉट लोगे तो मिड विकेट के साइड जाएगी, नहीं तो इस, या तो आप फ्रंट फुट की तरफ खेलो, लेकिन थोड़ी बॉल आने देना रणवीर की, नहीं तो विकेट भी उड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें दोस्तों सिर्फ मुझे 4 मिलेगा और मैंने इसको सिर्फ 27 रन का टारगेट दिया है। अब मैं बताऊँ स्पेशली बॉलिंग की ट्रिक जो आपको काम आएगी, जिसमें कि रन नहीं आ पाएगी। राजेश राजेश की बॉलिंग की ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ये गोल वाला सर्कल आप जो देख रहे हो, पहले भास्कर दिखाना, वो सो रहा है भास्कर दूंगा मैं, लेकिन भास्कर नहीं दिखाना, अब आपको बदल देना बॉलर राजेश, चाहे आपके पास भास्कर नहीं है तो कोई और बॉलर रख लेना, लेकिन राजेश के ट्रिक को ऐसे फॉलो करना है। ये जैसे कि पहले तो नो बॉल चली गई, लेकिन नो बॉल से नीचे, मतलब स्काई ब्लू से, चलो मैं दूसरी बॉल करके दिखाता हूँ मेरे को कहाँ रखना था, इस डायरेक्शन की बॉल रखो, डायरेक्शन यही चुनना, और स्काई ब्लू कलर से नीचे ले लेना 6.0 डिग्री, या स्काई ब्लू कलर लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इससे मिस होगी, जैसे कि ये सोच रहा था सीधी आएगी। अब ये इसको मैं कंफ्यूज करके रखूँगा, मैं दिखा रहा हूँ इसको सीधा, लेकिन मैं कंफ्यूज करूँगा, मैं फिर से वो लिए 6.0 डिग्री की बॉल। अब स्काई ब्लू कलर भी ले सकते हो, स्काई ब्लू कलर और अच्छी तरीके से मूव होगी, डायरेक्शन यही रखना जहाँ पे मैं गोल सर्कल आपको दिख रहा है ना, इसी डायरेक्शन में बॉल रखना। अब देखते हैं ये मेरी बॉल समझ पाएगा, स्लो बॉल दे रहा हूँ ताकि मेरे को विकेट पे देनी है, जब आपको विकेट पे देनी हो ना तो स्लो बॉल देना ऐसे, लेकिन थोड़ा सा एंगल ना, जो डायरेक्शन थी ना गोल सर्कल को, थोड़ा सा आगे ले आना, मैंने थोड़ा पीछे रखा था ये वाला जो सर्कल हिल रहा है ना, थोड़ा सा आगे यहाँ पे। अब देखते हैं क्या बॉल दूँ मैं इसको, अब मैं इसको, अब ये वाली बॉल भी सीख लो, जब आप चेन साइड करोगे ना ये बॉल ऐसे घूम जाती है ऐसे, ये बॉल भी सीख लो, जब भी आपको इस साइड की तरफ देनी है ना, तो अब आपको गोल सर्कल बीच में रखना, और स्काई ब्लू कलर लोगे बहुत अच्छे तरीके से गूगली होगी। ये देखो दोस्तों विकेट में जा सकती थी बड़े आसानी से, राजेश की बॉल बहुत अच्छे तरीके से गूगली होती है, और ये मैच हम पूरी आसानी से जीत गए। ये बंदा सिर्फ अभी तक 5 बॉलों में 8 रन बना पाया है। ऐसी ट्रिक को फॉलो करोगे ना, अगर आपको किसी 10 रन का भी टारगेट दिया है ना, तो आपने तो आप उस वो भी मैच जीत जाओगे। दोस्तों यहाँ पे देखो कोई रन मैंने खाया ही नहीं, और दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करना, वीडियो कैसे लगे। ओके बाय।